शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अरे गाओ ना, कितनी सुंदर धुन है। बोल कैसे लगे? मुखड़ा अच्छा हो ना तो बोल अपने आप सुंदर हो जाते। अच्छा अच्छा, इसका मतलब क्या है? जो बोल कहते हैं। बोल क्या कहते हैं? नहीं मालूम। देखो, कला में जो बात कह दी जाती है वो इतनी बड़ी नहीं होती जितनी वो बात जो नहीं कही जाती। ये गाना हमारे भविष्य का गाना है, फूल से फल बनने का गीत। नहीं समझे? चलो मैं समझाता हूं। तुम मेरी पत्नी, मैं तुम्हारा पति। तुम मुझे प्यार करती हो, मैं तुम्हें प्यार करता हूं। ये जो हम दोनों की प्यार की वजह से जो तीसरा आने वाला है ना, वो नहीं। क्यों नहीं? अरे कोई नहीं देख रहा। बहू रानी, मंगला जेब देख ले। लो। हाय भैया। मंगला हाथ नीचे कर। अरे नीचे कर। विष्णु भैया। हाँ दीदी। याद है आज खाए में का का बनी है? हाँ दीदी, बैगन का भरता, बैगन की रोटी, मोटी मोटी और और का नाम के भूल गया ना। हाँ दीदी, कमल ककड़ी के बड़े। ए, उठो। उठो ना। उठो। हाँ बोल। अरे भाई राव साहब आए हैं। राव साहब? अच्छा अच्छा बैठा लो, मैं भी आता हूँ। अरे विष्णु, राव साहब आए, जरा गरम गरम कॉफी मारे ने। हाँ कड़क कड़क कॉफी। अरे नहीं नहीं चंद्र जी, आपसे मिलना है काफी। आइए आइए राव साहब। नमस्ते मालिक। बैठी 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 बैठी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। कहिए, नई पिक्चर कब स्टार्ट कर रहे हैं? सब कुछ सेट हुआ इसलिए तो आपके पास आया हूँ। अरे आपके लिए तो जान हाजिर है मालिक। हाँ जी, कब डेट्स? तुम बात है साहब, सर मैं आपके लिए नहीं, आपके पत्नी के लिए आया हूँ। मतलब उमा जी? जी हाँ, बात है चंद्र जी, आपके जो मैं कहानी बना रहा हूँ वो लड़की पे है, गर्ल स्टोरी। मैंने टॉप का म्यूजिक डायरेक्टर फिक्स किया, वो इसी कंडीशन पे एग्री हुआ है कि गाने उमा जी का। आप सब आपके हाथ में है। नहीं राव साहब, हमारे हाथ में कुछ नहीं, सब उन पे। वो अकेले कभी नहीं गाते, गड़बड़ हो जाएगी। आप कुछ समझाइए ना। देखिए राव साहब, समझ का ताल्लुक दिमाग से होता है। मतलब? मतलब ये कि ये सब दिल की बातें हैं। उमा जी ने एक तरह का प्रण ले रखा है कि वो अकेले कभी नहीं गाए। नहीं, आप घबराइए मत राव साहब, उमा गाए। नहीं, मैं नहीं गाऊंगी कभी नहीं। उमा, बताओ क्यों नहीं गाओगी? मैं अकेले नहीं गाऊंगी। लेकिन क्यों? आप ही ने तो कहा था
हम एक साथ गाएंगे, एक साथ रहेंगे। कभी कभी तो तुम उमा नहीं बिल्कुल दादी माँ जैसी बातें करती हो। इसका ये मतलब है सोलो गाना तुम्हें कभी गा ही नहीं सकता? आप गाइए, मैं नहीं गाऊंगी। फिर वही बात, अरे भाई तुम्हारे मेरे बीच में कोई फर्क है क्या? शादी के बाद हम दोनों एक नहीं हो गए? देखो तुम्हारे गाने का मतलब है मैं गाना गा रहा हूँ। क्या ऑटोग्राफ प्लीज? पेन ये लीजिए। तुम्हारा नाम? आशा। आशा, अरे उमा देवी आ गई, उमा देवी आ गई। ए, ए, उठो, देखो चंदू भैया कब से आके बैठे हैं। उठो ना, उठो। चंद्रू आ गया? हाँ। चाय वहीं भेज देना। क्यों रे चंद्रू, मुसीबत टाली? कौन, इनकम टैक्स वाली? हाँ। भाई रिटर्न्स तो फाइल कर दिए हैं, दो चार सर्टिफिकेट नहीं मिल रहे यार। वो कहते हैं कि पिछले साल की रकम इस साल में डालें। अरे ये कैसे हो सकता है, ये तो एकदम सफेद झूठ है। भाई ये काला बाजार है, इसमें सफेद झूठ ही चलता है। मुबारक हो भाभी, छपा के थे तुम्हारे चार गाने पिनाका में आ गए। इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बाद कम से कम एक पिनाका स्माइली दे दो। चंदू भैया आज से मैं गाना नहीं गाऊंगी। क्या मतलब? मतलब सीधा है, आज से गाना वाना बंद। और जो कॉन्ट्रैक्ट हाथ में लिए हैं उनका क्या होगा? कुछ भी हो मैंने फैसला कर लिया। कीना औरतों वाली बात? अरे भाई जिनकी रिकॉर्डिंग तय कर रखी है उन उल्लू के पट्टों का क्या होगा? हाँ तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, जूते मुझ पे पड़ेंगे, कुछ बुरा सा नहीं लगेगा। भाभी समझती है जूते शायद हलवा होते हैं। हाँ मुझे भी यही लगता है। ठीक है, जो काम लिया है उसे पूरा करने के बाद फिर मैं नहीं गाऊंगी। क्यों मेरे पति थे, झगड़ा तो नहीं किया तूने? सौगंध खा मेरी। हाँ मेरे तो झूठी सौगंध खाएगा, मेरी मत खा, सात सुरों की सौगंध खा, मेरा मतलब साढ़े तीन सुरों की। ओ, घास खा के तो नहीं आया तू, मैं भला उससे क्यों झगड़ा करने लग गया? इसका मतलब है भाभी की तबीयत खराब है। इतनी नाजुक कोमल सी लड़की, हम भी गधे हैं, आते ही इतना बोझ लाद दिया उसके से। कहीं रिकॉर्डिंग चल रही है, कहीं रिहर्सल चल रही है, कहीं अवार्ड चल रहा है, कहीं फंक्शन चल रहा है, बिल्कुल नहीं। मैं ये सब बंद कर दूंगा कम से कम दो महीने के लिए, बिल्कुल बंद। हाँ यार। हाँ जी, हेलो, कौन? अरे भाई हीरा नंदानी, क्या आयो मजे में? हाँ सुबीर कुमार बेटो आए थे, पासे में ही आए। नमस्ते बेचे हुआ। हाँ तांजी भी अच्छा, बाबा नमस्ते, भैंसा नमस्ते। हाँ प्रोग्राम करी था? नहीं नहीं डाल दे यार, मैं नहीं गाऊंगा। तेरे लिए नहीं यार, भाभी के लिए कह रहा हूँ। हाँ भाई रणदानी, हाँ गल बुद्धो, आज कल गायन घट करे चले होते हैं, हैं रेट भी बदी के पैसे चार्ज करे, हैं 2000 का 5000 फ्रॉम, हाँ हाँ स्ट्रेट फ्रॉम 2000 टू 5000 रुपीस ना साई ना, बिल्कुल ना एक को पाई घट को ना करना, मैंने जी दाढ़ी पक किया। हाँ हाँ 5000 1.5 लाख तैयार हो? You are ready to pay 5000 rupees? ठीक है? ठीक है नहीं? कमाल हो गया यार, ये हीरा नंदानी तो बिल्कुल हीरा निकला। टालने के लिए 2000 से 5000 रुपए बोले, उस पे भी तैयार, यानी तेरे से भी 1000 रुपया ज्यादा देने को तैयार है। क्या बुरा है, पैसा तो एक ही घर में रहेगा ना। बाप रे, लगता खत लिखने के सिवा हमारे देश के लोगों को और कोई काम ही नहीं। या तो बड़बड़ करते रहेंगे, बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे बोलते रहेंगे, या फिर ये चिट्ठियां लिखते रहेंगे लिखते रहेंगे लिखते रहेंगे लिखते रहेंगे। क्या बड़बड़ कर रहे?
अरे यही हाल रहा तो मैं टर टर करने लगूंगा। बोर कर दिया भाभी ने यार, ये फैन मेल है, मैन फेल। कौन जवाब देगा इतने खतों का? मेरा बाप। ऊपर से डेट्स का बंदोबस्त, रिहर्सल की झकझक, रिकॉर्डिंग का झगड़ा। एक काम कर, अपने लिए एक सेक्रेटरी और रख। हाँ यार, दो स्टारों के बीच में मैं भी साला एक स्टार सेक्रेटरी हो गया, क्यों? मेरा काम कोई और देख लेगा, तू सिर्फ उमा का काम देख। देख बे, मैं तेरा दोस्त हूँ, बीवी नहीं। हाँ, मेरा मतलब है दोस्त भी आखिर इंसान ही होता है। नहीं, मैं देख भी रूं, मुझे क्या करना और क्या नहीं करना इसका फैसला करने वाला तू नहीं, मैं हूं, समझे? मैं जा रहा हूं, भाभी के साथ रिहर्सल पे जाना है, दोपहर में तेरी भी रिकॉर्डिंग है, अपने आप पहुंच जाना, भूलना नहीं, बाद में मैं भी आ जाऊंगा। हेलो, ये चंद्रू तो नहीं है, मैं सुबीर, कहिए। वो तो ठीक है, लेकिन आजकल मैंने अपना रेट बढ़ा दिया है, 6,000। अब ज्यादा है तो ज्यादा ही सही। देखिए इसमें चंद्रू क्या कर सकता है राव साहब, गाना मुझको गाना है, चंद्रू को नहीं। जैसी आपकी मर्जी। कब फोन किया था? कुछ देर पहले। अच्छा, चलते चलते एक दोराहे पे आ पहुंचा था, समझ में नहीं आया इधर जाऊं या उधर, अचानक आग खुली थी, देखा यहाँ बैठा। तो भटक क्या निकले, चलो अंदर आओ। मारिया, हेलो, नहीं साहब कब के गए वो? तो स्टॉप इट चित्रा, प्लीज बंद करो इसे। फिर वही आवाज, दंगा क्या सुनते सुनते, अब तो दूसरे भी बोर हो गए। क्या हुआ सुबे? उमा को गाते सुना? हाँ सुना, लाखों में एक है। अच्छा गाती ना? बहुत अच्छा। कैसी हैं उमा जी? बहुत अच्छी। नहीं चंद्र भैया, मुझे कुछ पता नहीं, कहाँ गए होंगे? देखो सुबीर, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, दोस्ती के सिवा मैं तुमसे और कुछ नहीं मांगती, मुझे बताओ प्लीज। कुछ नहीं चित्रा, कुछ नहीं, सिर्फ एक बात समझ में आती है, पहले मैं अकेला था और अब बिल्कुल अकेला। अकेले तो हम सभी हैं सुबीर। हाँ चित्रा, हम सब अकेले हैं, हम सब अकेले। ये अकेलापन, ये तन्हाई हम खुद पैदा कर लेते हैं, छोटे छोटे अभिमान, छोटे छोटे अहम। अब तो मुझे अकेलापन प्यारा लगता है। प्यारा? तन्हाई में मैं महसूस करती हूँ जिंदगी कितनी खूबसूरत है। चित्रा, कभी ऐसा नहीं लगता कि लाइफ इज स्ट्रेंज? लाइफ
मैं नहीं जानती, लेकिन सुबीर जो कुछ भी हुआ है उसे बर्दाश्त कर लो। बर्दाश्त? तुम तो देवदास की चंद्रमुखी की तरह बातें कर रही हो चित्रा। कौन कम वक्त बर्दाश्त करने के लिए पीता है? मैं तो इसलिए पीता हूं कि होश में ना रहूं। सलाम। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो चित्रा जी ने कहा है सुबीर साहब की गाड़ी कल सुबह आ जाएगी। विष्णु जा यहां से। कल रिकॉर्डिंग पे क्यों नहीं आए? हैं? तबीयत ठीक नहीं थी। तबीयत ठीक नहीं थी इसीलिए शराब पीकर बेहोश होना पड़ा, वो भी चित्रा के घर में। एकदम आसमान के तारे तोड़ने लग गए। कौन बेवकूफ का बच्चा तुझे एकाएक 6,000 रुपए देगा? 6,000 लूं या 10,000, दिस इज माय बिजनेस, अंडरस्टैंड? इसके लिए मुझे जवाब देना पड़ेगा। जवाब देने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूं कौन सी बात खाए जा रही है तुझे। किताबों में पढ़ लिया ना, मर्द का दर्जा औरत से बड़ा होता, बस। भाभी की तरक्की बर्दाश्त नहीं होता। चंद्रू तुम हद से बाहर जा रहे हो। कौन सी हद? मैं समझता नहीं क्या? भाभी के 5,000 हो गए इसलिए तुझे 6,000 चाहिए। मत भूलो कि ये मेरा घर है। तेरा घर? हाँ, मैं बिल्कुल भूल गया था, ये तेरा घर है। याद दिलाने का बहुत बहुत शुक्रिया सुबीर। कौन? सुबीर कैसे हो? जी ठीक हूँ। तुम्हें एक अच्छी खबर दे रहा हूँ, हमारे संगीत उत्सव में तुम्हारी पत्नी उमा को बहुत बड़ा सम्मान मिला है। यह खबर उमा को दे देना। हेलो सुबीर। हाँ कहिए। हमारा यह प्रोग्राम ऑल इंडिया रेडियो से रिले किया जाएगा। तुम्हें एक और तकलीफ दे रहा हूँ, कल तक उमा का एक छोटा सा लाइव स्केच भिजवा देना। जी मिल जाएगा। धन्यवाद। सुनिए चंद्र भैया को क्या हुआ? क्या हुआ? पता नहीं, ऐसा लगता है किसी ने कुछ, आपने तो कुछ नहीं कहा ना? नहीं। तो फिर क्या हुआ बताइए ना, आप जरूर जानते हैं। कहा ना, मुझे नहीं मालूम। Am I supposed to know everything that happens to everybody in this house? विष्णु भैया साहब कहाँ हैं? साहब तो भी नहीं आए दीदी। मैं भी आई। मेम साहब आपसे कोई मिलने आई है। कौन है? मालूम नहीं, पहले कभी देखा नहीं। अच्छा चल।
माफ कीजिए आप। मैं उन्हें लेने आई। आपको कैसे पता चला कि सुबीर यहाँ है? मैं जानती हूँ। आपने यहाँ आने की क्यों तकलीफ की? एक फोन कर दिया होता, मैं उसे भेज देती। आजकल वो कुछ उदास से रहते हैं, इसलिए मैं उन्हें खुद लेने आई हूँ। मैं भी कई दिनों से देख रही हूँ, सुबीर खोया खोया सा रहता है। क्यों, आप जानती हैं? माफ कीजिए, इसके बारे में मैं समझ गई। बैठिए, आपसे एक बात पूछूं। आपको कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि मैंने सुबीर को बहकाया है या? नहीं नहीं चित्रा जी, जो प्यार करता है वो कभी। तुम? तुम यहां क्यों, यहां क्यों आई हो? आपको लेने। क्यों, मैं कोई बच्चा हूं, खुद नहीं जा सकता? सुबीर, बहुत रात हो चुकी है, अपने घर जाओ। खाना लगवा। नहीं, मुझे भूख नहीं। क्यों? मुझे हर क्यों का जवाब देना पड़ेगा क्या? जवाब? मैंने कभी जवाब मांगा है आपसे? इसका जवाब तो दीजिए। चित्रा के घर जाकर मुझे साथ लाने के पीछे क्या है? आप नहीं समझेंगे। नहीं समझूंगा। अच्छा तो समझाइए। समझाओ तो समझ लेंगे क्या? देखो मत साफ साफ बातें करो, ये पहेलियां छोड़ो। जीती रहो बेटी, जीती रहो। वीरू कहाँ है? वो नहीं, नहीं आए? तू अकेले आई? क्या हुआ, क्या हुआ बताओ तो सही, क्या हुआ? अरे अरे रो मत बेटी, बताओ क्या हुआ, क्या? नहीं 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 नहीं, वो मैंने ये ठीक नहीं किया। पति पत्नी में झगड़ा तो होता ही रहता है। झगड़ा करके बिना बताए चली आए, ये कहाँ की रीत है? आप गुस्सा न कीजिए, मानो उससे भूल हो गई, लेकिन वीरू भी तो बच्चा नहीं। ऐसी हालत में उमा को कुछ कहना? ऐसी हालत? कैसी हालत? आप बहुत जल्दी नाना बनने वाले हैं। हाँ वीरू को भी ये मालूम है, मैं उसे चिट्ठी लिखूंगी, देखना पढ़ते ही भागा आएगा। अब आप उमा को कुछ मत कहना, जाइए तो जाइए। बड़ी माँ, मुझसे गलती हो गई, मैं कल ही लौट जाऊंगी। नहीं, पहला बच्चा मायके में होता है। तू एक काम कर, वीरू को अभी के अभी चिट्ठी लिख दे, सब बता दे। और चिंता की कोई बात नहीं, ऐसी हालत में हमेशा खुश रहना चाहिए।
चंद्र भैया प्रणाम। आज से मैं आपकी भाभी नहीं, छोटी बहन। मैंने उन्हें दो दो चिट्ठियां लिखी लेकिन जवाब न मिला। मैं उन्हें बताए बगैर ही चली आई, इसीलिए शायद वो मुझसे बहुत नाराज हैं। कैसे हैं वो, उन्होंने गाना शुरू किया या नहीं? मैंने ही उनकी जिंदगी से संगीत छीन लिया। अब तो मेरा एक ही सपना है कि उन्हें फिर से गाते हुए देखूं। बड़ी माँ मुझे किसी तरह भी नहीं जाने दे रही हैं। कारण तो आप समझ ही गए होंगे। नहीं समझे? आप जल्दी ही मामा बनने वाले हैं, ये खबर उन्हें भी दे देना। मुझे खुद उन्हें लिखते हुए शर्म आ रही है। भूलिएगा नहीं, उनकी सारी जिम्मेदारी आप ही पर है। ये छोटी बहन की मांग है। इति आपकी छोटी बहन उमा। अरे विष्णु। जी सर। कौन देख? हेलो विष्णु। चंद्र भैया ये फोन क्यों रख दिया? लगता है जब से मैं गया हूं इस घर में कोई किसी की सुनता नहीं। चल भाग भाग भाग, अब जल्दी से गरम गरम चाय बना के ला। क्या अभी आए चंद्रू भैया? जरा हाथ हटाइए। अबे ऐसे देख रहा है जैसे मुझे पहचानता ही नहीं। कैसा है तू? ये सब बाद में बताऊंगा, पहले मिठाई खिला। मैं बहुत अच्छी खबर लाया हूं। अबे क्या? मैं चाचा बनने वाला हूं। चाचा नहीं, मामा। मामा? मामा? अब मामा या मामी ये तो बच्चा पैदा होने के बाद ही पता चलेगा, मतलब मुन्ना या मुन्नी ये तो। माँ कौन बनने वाली? अबे यार तू भी उमा भाभी। सच? तुझे कैसे मालूम पड़ा? उन्होंने चिट्ठी लिखी मुझे और मुझे देवर से भाई बना लिया। कितना अच्छा होगा, अपने घर में एक छोटा सा प्यारा दुलारा सा बच्चा घूमेगा। छोटा सा बलमा मुरे अंगना में गुल्ली खेले, छोटा सा बलमा मुरे अंगना में गुल्ली खेले। चल अब चलने की तैयारी कर। कहाँ? गांव में। नहीं चंद्रू, मैं नहीं जाऊंगा। क्या मतलब? घर छोड़कर वो गई, उसे यहां अपने आप आना होगा। और फिर चिट्ठी मुझे तो नहीं लिखी ना, जिसे लिखी हो जाए। तू भी यार, सॉरी मैं पहले की तरह तुझे गाली देने वाला था। अबे गधा। ओहो कौन लड़की अपने उसको लिखेगी कि अब वो लड़की नहीं रही है, लड़की से मां बनने वाली? कमाल है यार। चल चल बैठ मत कर। नहीं चंद्रू मैं नहीं जाऊंगा, तुझे जाना है तो जा। तुम कौन हो बेटा? मैं माँ का बेटा हूँ। माँ का बेटा? डैडी का क्या नाम है? सुबीर कुमार। और तुम्हारी माँ का नाम? उमा देवी। मुझे मत छुओ। क्यों बेटा? ने मेरी माँ को दुख दिया है, मेरी माँ रोते रोते मर गई। नहीं नहीं। ये धूप में क्या बैठी है? चल चल जल्दी तैयार हो जा, अस्पताल में जाना है। बड़ी माँ मैंने तुम्हारे लिए एक मिठाई बनाई है, तुम तब तक खाओ, मैं तैयार हो क्या? अरे ऐसी हालत में दौड़ भाग नहीं करते, कितनी बार कहा। भैया ये सुबह सुबह कहाँ की तैयारी? आइए आइए दीदी, बाजार जा रहा था। अच्छा वो अस्पताल का कार्ड तो देते जाइए। ये रोज रोज अस्पताल की दौड़, कोई गड़बड़ तो नहीं दीदी? नहीं नहीं भैया, पहला बच्चा है ना, छूछा रहना चाहिए। जाइए वो कार्ड लाइए। उमा जल्दी कर बेटी। उमा चंदू भैया। इसे कहते बहन का प्यार, पहले से ही पता चल गया मैं भूखा हूं। ला 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 ला। ए वाह, जा एक प्लेट और ले। अरे इसे तो छोड़ती जा। ला ला।
आप दुर्गा मौसी है ना? प्रणाम। जीते रहो। बताइए मैं कौन हूँ? बीरू के चंद्रू। हा? अरे वाह मौसी, और एक प्रणाम। जीते रहो भैया, ये बीरू के दोस्त चंद्रू। बाबूजी। जीते रहो जीते रहो। बेटा वो सुबीर कैसा है? बहुत अच्छा, फर्स्ट क्लास। दीदी उमा कहाँ है, और कुछ लाए? अब आप इसकी फिक्र मत कीजिए, आप अपने काम पे जाइए, मैं सब देख लूँ। अच्छा अच्छा, मैं अभी आता हूँ बेटा। हा? जी बाजार जा रहे हैं मेरे लिए मिठाई उठाई लाने, है ना? साधु संत है ना, अंतर का सब जान जाते हैं। मौसी मेरे रहने खाने का इंतजाम क्या होगा? रह तो मैं कहीं भी सकता हूं, लेकिन खाना जरा अच्छा होना चाहिए। मेरी एक बुरी आदत है, तीखा खाने के बाद मीठा चाहिए, मीठे के बाद फिर तीखा, तीखे के बाद फिर मीठा, और मीठे के बाद फिर तीखा। अच्छा अच्छा, सब हो जाएगा। लेकिन बता, सुबीर क्यों नहीं आया? वो खबर सुनते ही बोरिया बिस्तर बांध कर तैयार हो गया। मैंने कहा अरे रिकॉर्डिंग का क्या होगा, वो बोला हाड़ में जाए रिकॉर्डिंग। मैंने कहा लोग केस कर देंगे, लाखों रुपए का जुर्माना हो जाएगा। बड़ी मिन्नतें की, पाव पड़ा, तब जाकर माना और मैं चला आया। उमा तू तैयार होकर घर पे आ जाना, वहीं से अस्पताल जाएंगे। मैं पार्वती को भेजती हूँ, चंदू का सामान भेज देना। भैया उन्होंने आने से इनकार कर दिया ना? नहीं उमा, मतलब तो मैं तभी समझ गई थी जब आप जरूरत से ज्यादा बोल के सबका दिल बहला रहे थे। ऐसी बात नहीं उमा, तुम तो जानती हो कितना जिद्दी आदमी मैं। सब जानती हूँ, वो मुझे कभी माफ नहीं करे। उमा बच्चे को आने दे, सब ठीक हो जाएगा। सब यही कहते हैं, बच्ची को आने दो, दुनिया की सारी दौलत मिल जाएगी। क्या हुआ डॉक्टर साहब? उमा? नहीं नहीं उमा जी ठीक हैं, लेकिन सदानंद जी मुझे अफसोस है कि मैं बच्चे को नहीं बचा सका। ये मेरी तीसरी और आखिरी चिट्ठी है, मैं उमा की ये हालत और देख नहीं सकती, बिल्कुल पत्थर बन गई है। मैंने तुम्हें बार बार लिखा है कि यहाँ चले आओ, आने की बात तो छोड़ो, एक भी चिट्ठी का जवाब नहीं दिया तुम। अरे दुर्गा मौसी की चिट्ठियों का जवाब तक नहीं दिया तूने? क्या जवाब दे? जवाब तो एक ही है, अभी का अभी उमा के पास चला जा। नहीं चंद्रू, किस मुंह से जाऊं, मैं वहां नहीं जा पाऊंगा। नहीं जा पाऊंगा, ये सब कुछ सुनने के बाद भी? यार तू इंसान है क्या? नहीं वो इंसान नहीं लगा, कोई इंसान ऐसा बर्ताव कर सकता है? अरे मौसी, मर गई तेरी मौसी। मौसी जी अंदर चलिए, हाथ मुंह धो लीजिए पहले। नहीं चंद्रू, मैं इस घर का पानी भी नहीं छूंगी। मैं सिर्फ इतना ही कहने आई हूँ, मुझे इस पे जितना गर्व था इतनी ही आज मुझे इस पे शर्म आ रही। इंसान इतना भी गिर सकता है? उसे कहो जाए और देखे फूल जैसी लड़की की क्या हालत हो गई है। इसे तो उमा का मर जाना अच्छा था। चंद्रू मैं मंदिर में पूजा करने आई हूं, भगवान से कहने आई हूं उमा को अच्छा कर दो या फिर उसे अपने पास बुला दो।
टैक्सी बाहर खड़ी है, मुझे जरा छोड़ाओगे बेटा? हाँ मौसी जी, चलिए आइए। ऐसे अकेले बैठ के क्या सोचा करती है तू? मुझे अच्छा नहीं लगता बेटी, बहुत दुख होता है। चला आ मेरे साथ, आ आ वहां बैठ, आ आ इधर आ, आ आ बैठ बैठ। याद है तुझे एक बार जौनपुरी राग में धीरा नायका और अधीरा नायका के बारे में बताया था? जरा सुना तो। अरे सुबीर तुम आ गए बेटा, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। जीते रहो जीते रहो, ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा बेटा, अब तुम आ गए हो ना, सब ठीक हो जाएगा। बैठो बैठो, मैं उसे बुलाता हूँ। उमा उमा, उमा सुबीर आ सुबीर। हाँ हाँ सुबीर, तू उस पर जाकर बैठ, मैं मिठाई उठाई लाता हूँ। जा 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 जा, जल्दी कर। नाराज है ना? बहुत तकलीफ दी ना मैंने तुम्हें? मुझे माफ कर दो अम्मा, मुझे माफ कर दो। यही है अपनी कहानी डॉक्टर भार्गव। बस उसके बाद उमा पत्थर सी हो गई। मुश्किल तो यह है कि ऐसे मरीज अपनी सेहत भी तो नहीं चाहते, आज दवा ली तो कल नहीं। डॉक्टर साहब इलेक्ट्रिक शॉक से? नहीं नहीं, वो पागल थोड़े ही हैं, सिर्फ सदमे का शिकार हैं। उन्हें किसी तरह से जैसे भी हो हंसाना या रुलाना पड़ेगा। बहुत कोशिश की डॉक्टर भार्गव, लेकिन हिम्मत ना हारिए, कोशिश जारी रखिए। हमें यह भी तो नहीं मालूम वो कब किस बात पे हंसी या रो दे। मुसीबत तो यह है कि वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती, जैसे ही हम लोग कुछ कहते हैं वो उठ के चली जाती। वो तो ये सब करेंगी ही, आपने अभी अभी कहा ना कि वो नीचे वाले कमरे में सोती हैं, ऊपर नहीं आना कहती। बात तो एक तरफ, संगीत भी बर्दाश्त नहीं उन्हें, उसकी वजह साफ है, वो अपनी पुरानी यादों से दूर रहना चाहती, उन्हें भूल जाना चाहती है। उस अतीत को जहां से वो टूटा है मैं बनाना है, बस यही एक रास्ता है उन्हें नई जिंदगी देने का। क्या कर रही हो मां? उमा बता,
ऊपर तेरे सूटकेस से मुझे क्या मिला? क्या मिला? ये नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे मोजे किसके हैं? मुन्ना के। उमा ने बुने थे उसके लिए, लेकिन हमारी किस्मत ही कहां, भगवान ने उसे पहनने का मौका ही नहीं दिया। हाँ, नहीं तो अभी वो 4 महीने का होता। हाँ, कुछ ही दिनों में चलने भी लग जाता, उमा की गोद भर जाती और घर का आंगन सज जाता। अच्छा उमा, क्या करें इनका? ले उमा, लेना। क्या मीठे में तीखा और तीखे में मीठा, फिल्मों की तरह। रोने में कॉमेडी, कॉमेडी में म्यूजिक। अरे विलायत से लोग आते हैं इसे खाने यहां। मुझसे और नहीं देखा जाता चंद्रू, और नहीं देखा जाता। अरे यार हौसला रख, इतना तो सोच, कई दिनों से वो घर से ही नहीं निकली। शुक्र कर आज वो यहां तक तो आ गई। बेकार है चंद्रू, बेकार है। उमा एक पत्थर का टुकड़ा बनकर रह गई है और इसका कारण मैं हूं। अगर तुम यही समझते हो कि तुमने उसकी जिंदगी तबाह की है तो तुम्हारा ही फर्ज है कि तुम उसे संवार। राय साहब, हम आपके पास इसीलिए तो आए कि आप ही हमें कोई रास्ता बताएं। सुबीर, तुम्हारा और उमा दोनों का एक ही गुण है और वो है संगीत। संगीत तुम दोनों को साथ लाया है, संगीत तुम दोनों का विवाह बंधन है, इसलिए तुम्हारी इस समस्या का समाधान भी संगीत। तुम्हें गाना होगा सुबीर। नहीं राय साहब, गाना मेरा दुश्मन है, गाने ही की वजह से सब कुछ हुआ। नहीं सुबीर, गाने की वजह से नहीं, न गाने की वजह से। मैं तो इतना जानता हूं कि तुम्हारा गाना छोड़ देना उमा बेटी के लिए कितनी भयंकर बात। हाँ सुबीर, राय साहब ठीक कह रहे हैं। उमा ने चिट्ठी में मुझे यही लिखा था, तेरा न गाना ही उसे खाए जा रहा है। जब तक तू गाएगा नहीं तब तक वो अपने आप को कभी माफ नहीं करेगी। सुबीर, उमा को अगर अच्छा करना है तो तुम्हें अपनी जिंदगी में संगीत को लाना होगा, तुम्हें गाना होगा। कब कहां कैसे ये मुझ पे छोड़। आओ बैठो 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 मां, बैठो चंद्रू। थैंक यू। ले उमा, देख। बहनों और भाइयों, हमारे सुर झंकार का रजत जयंती उत्सव आरंभ होता है। पहले तो मैं आपके सहयोग का शुक्रिया अदा करता हूं। आज की सभा का आरंभ हम ऐसे कलाकार से कर रहे हैं जो काफी समय के लिए गुमनामी के अंधेरे में अपने आप चला गया था। उस कलाकार का नाम है सुबीर कुमार। माननीय श्री ब्रजेश्वर राय जी और दोस्तों, आप लोगों ने जो इज्जत और सम्मान मुझे दिया है, पता नहीं मैं उसके योग्य हूं भी या नहीं। आज जो मैं गीत आपको सुना रहा हूं वो सिर्फ गीत ही नहीं, एक सपना था। बदकिस्मती से वो सपना चूर चूर हो गया।
बैठ जाइए, बैठ जाइए, खामोश। मैंने एक भूल की थी, सुबीर कुमार को अकेले गाने का न्योता देकर। सुबीर कुमार का यह गीत सिर्फ सुबीर कुमार का नहीं, बल्कि सुबीर कुमार और उनकी पत्नी दोनों का एक सपना था। हमें खुशी है कि उमा देवी यहां मौजूद है। मैं उनसे विनती करता हूं कि वो अपने पति के पास आकर खड़ी हो जाएं और गाएं। तूने चिट्ठी में लिखा था ना उमा कि सुबीर को फिर से गाना पड़ेगा, क्या वो शुभ दिन तू नहीं देखना चाहती? हाँ बेटी, तुझे गाना ही पड़ेगा, मैं तेरे पिता समान हूं, मेरा आदेश है। चल चल, उठ उठ उठ।